लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो इस देश में हैं या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं किस तरीके का डब्बा ओपन कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। और ये देखिए, गप कंपनी की तरफ से मैंने एक हेयर ड्रायर मंगवाया है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे लेना है और इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं ये सब सामान परचेस करने में, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और साथ में मैंने मंगवाया है ये कुछ जो मेकअप ब्रश होते हैं वो, और इसकी क्वालिटी भी कैसी है, क्या है, वो आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ पे। जैसा कि मैं आपको कई बार बताई हूँ कि मेरी फ्रेंड जो है वो पार्लर चलाती है और मेरी ही बिल्डिंग में रहती है, तो जो हेयर ड्रायर है और ब्रशेस लेके मैं उसके पास आई हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था तो सोचा क्यों ना मैं घर पे मेकअप ना करके मैं अपनी फ्रेंड के पास चली जाती हूँ और थोड़ा जल्दी भी मेकअप हो जाएगा। तो ये देखिए, उसने हेयर ड्रायर से बाल मेरे सुखा दिए, काफ़ी गीले थे क्योंकि नहाने के बाद ही मैं तुरंत उसके पास चली गई थी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी उसको और मुझको भी हेयर ड्रायर की। अब चल रहा है मेरा मेकअप, एक नेचुरल मेकअप भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा हैवी भी नहीं बोलेंगे, मीडियम मेकअप उसने मेरा किया। और यहाँ देखिए, उसी ब्रश के इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने ब्रश मंगवाए हैं। ब्रश की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है। बहुत सारे ऐसे ब्रशेस मैंने यूज़ करे हैं जिन पे मतलब क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा हार्ड होती है, पर इस ब्रश की क्वालिटी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, स्मूथ थी और बहुत ही बेस्ट था। तो इसमें तरह तरह का ब्रश दिया हुआ है, जैसे कि आपने अभी देखा फाउंडेशन लगाने के लिए था, और अपना आई ब्रोस के लिए है, लिपस्टिक के लिए है, तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है ब्रश। और ये आई लैशेस के लिए प्लस अपना आईब्रो के लिए, तो उसमें डब्बे में ना सब कुछ लिखा हुआ है कौन सा ब्रश किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारे ब्रशेस हमने लेकर इस्तेमाल किए और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेस्ट थी और काफ़ी स्मूथ था, सॉफ्ट था, और मज़ा आ गया मेकअप करके। तो मेरी फ्रेंड ने भी बहुत अच्छा मेकअप मेरा किया और फाइनली मैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक दिख जाती हूँ कभी कभी मेकअप करने के बाद। तो अभी आपको थोड़ा सा ऐसा मेकअप दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा डार्क, पर बाद में ये मेकअप पूरा सेट हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो गाइज, ये है मेरा एक सिंपल सा मेकअप। अभी घर जाके कपड़े चेंज करूंगी और ज्वेलरी पहनूंगी, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने घर में और पूरी अच्छे से रेडी हो गई हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिए और बस जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि मैंने आपके साथ मेकअप शेयर किया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का वीडियो, आज का ब्लॉग थोड़ा हटके था, और जो मैंने ब्रशेस यूज़ किए हैं गप के, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ये जो मैंने इस्तेमाल किए सारे ब्रश जो थे बहुत ही बेस्ट थे। मेकअप मैंने नहीं किया, मेरी फ्रेंड ने किया, पर उसने बताया कि क्वालिटी एक नंबर है। तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार ऑर्डर ज़रूर करके देखिए। प्रोडक्ट में वही आपके साथ शेयर करूंगी जो बेस्ट होगा। तो पूरा मैंने मेकअप भी करके आपको दिखाया, एक सिंपल लुक क्रिएट किया इस ब्रश के साथ। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि और दिन मैं अलग लगती हूँ, आज बिल्कुल डिफरेंट लग रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं मेकअप करके इतनी सुंदर लग सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरा लुक है,
एक वन पीस पहना है मैंने और कुछ नहीं, और जस्ट एक सिंपल सा एक नेकलेस का है, एक इयर रिंग पहनी है अपनी जो हमेशा पहनती हूँ वॉच वो पहनी है, और मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। तो कैसी लगी आपको मैं आज के वीडियो में, और ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और परचेस ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत अच्छे ब्रश हैं, ड्रायर तो हम सबके घर में होना ही चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।